सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा न मिस कर पाए। यार ऐसा लोगो बनाने के लिए ना केवल आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए, और यदि लास्ट तक नहीं देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे ना, तो आपको लोग कहेंगे सब खाली छोड़ी बटाता है। तो यार खैर छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, एक नहीं दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका नाम है पिक्सार्ट और सेकंड का नाम है फॉन्ट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई चलिए सबसे पहले हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके, एडिट अ फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके, यहाँ बैकग्राउंड के ऑप्शन पर, फिर व्हाइट वॉल कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में अब हम देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप में ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से ड्रैग करना है, फिर उसके बाद में यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर से ड्रॉ के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना पड़ेगा। ड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब हमें कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें ब्लैक कलर जो है सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में शेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें ये वाला जो शेप्स देख रहे हैं इस पर सेलेक्ट करके फिल के ऑप्शन पर, फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमें कुछ इस टाइप में ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, ये जैसा कि देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ इस टाइप में ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप में ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए फिर से कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके व्हाइट वाला कलर जो है सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में फिर से शेप के ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ जो स्क्वायर वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर कुछ हम इस टाइप में ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ये कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हमें कट कर देना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो भाई साइज के हिसाब से देख के इसको यहाँ पर थोड़ा सा, ये थोड़ा पतला सा कट करिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिला लीजिएगा ना, तो ये कुछ इस टाइप में कट करिएगा थोड़ा देख कर ना। ये चलिए हम यहाँ पर ये जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस टाइप में हमने कट कर दिया। कट करने के बाद हमें फिर से शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला शेप जो है फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये शेप सेलेक्ट करने के बाद में फिर से हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर यहाँ जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद में हमें यहाँ पर बीच में लाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बीच में लाकर कुछ हम इस टाइप में यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर कट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसी टाइप में आप भी कट कर दीजिएगा। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ ऐसा इस टाइप में बना लिया। फिर उसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जैसा कि देख सकते हैं टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अब हमें यहाँ अपना नेम जो है एंटर कर देना पड़ेगा, जो भी आपका नेम है। नहीं, उससे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो फॉन्ट वाला एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया था ना, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में इस पर क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट वाला एप्लीकेशन जो है इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। यार यदि मैं आपको बता दूं ना, यदि ऐसे नहीं ओपन हो रहा हो तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, जाके आप वो फॉन्ट एप्लीकेशन वाला वीडियो बना रखा है, जाके आप पहले उसको देखकर समझ लीजिएगा कैसे हमें इसको इंस्टॉल करना है और कैसे हमें एक्सेसिबिलिटी में से इसको ऑन करना है। अब इसके बाद में अब हमें फॉन्ट वाले में आकर यहाँ सेंस का जो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ये, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये वाला चौथा वाला हमें सेलेक्ट करके यहाँ पर पूरा स्क्रीन पर बड़ा कर देना पड़ेगा, नहीं इसका लेटर बड़ा कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर अपना नेम लिख देना पड़ेगा, जहाँ पर जैसा कि ये देख सकते हैं नेम लिख देंगे। लिखने के बाद में टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम डैश दे देते हैं ना, ये चलिए ये जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर डैश दे दिया। ऐसे ऐसे करके आप सभी लेटर पर डैश दे दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं हमने दे दिया। फिर उसके बाद में टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर वाला ऑप्शन जो है ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद में ये जैसा कि देख सकते हैं हमारा कुछ इस टाइप में बन गया है। ये हमारा जैसा कि यहाँ मैं इसमें भी थोड़ा ये कर देता हूँ, थोड़ा सा और स्पेस करके यहाँ पर, ये जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये बन गया कुछ इस टाइप में। तो यार ये मैं आपको बता दूँ ऐसे बना सकते हैं, या तो आप फॉन्ट अगर नहीं फॉन्ट को नहीं डाउनलोड करना चाहते तो तब पर भी कर सकते हैं। यार यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट दिया है जिसको आप यहाँ पर से सेलेक्ट करके कर सकते हैं ऐसे ही ऐड करके ना। तो मैं आपको बता दूँ ऐसे ही बना सकते हैं। फिर बनाने के बाद में अब हमें टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके अब हमें इसे गैलरी में सेव कर देना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके, ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पर ना, जैसा कि मैंने क्लिक किया था ये वाला ऑप्शन जो था इस पर क्लिक करके आप सेव कर लेंगे। यार अब तो ये हो गया कि हम लोगो कैसे बनाएंगे ना, अब इस लोगो को हम फोटो पर कैसे ऐड करेंगे, चलिए ये सीखते हैं। तो भाई फोटो पर ये लोगो लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके एडिट अ फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमें यहाँ से फोटो जो है सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, जिस भी फोटो पर हम अपना ये लोगो जो है लगाना चाहते हैं ना। तो चलिए हम यहाँ पर ये वाले फोटो पर लोगो लगाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड अ फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके हम सबसे पहले उस लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ जैसा कि देख सकते हैं। फिर ऐड के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्लाइस मतलब ये यार क्या बोलते हैं फॉरवर्ड करके, फिर उसके बाद में यहाँ ब्लेंड के ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रीन के ऑप्शन पर
क्लिक कर दीजिएगा, नहीं मल्टीप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में इस लोगों को चाहे जहां लगाना चाहते हैं, जैसा कि यहां लगाना चाहते हैं तो यहां पर, यहां लगाना चाहते हैं तो यहां पर आप लगा सकते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं हमने यहां पर लगा दिया है। तो यार मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से लगा सकते हैं। फिर टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को भी गैलरी में सेव कर लीजिएगा। अब देखिए गैलरी में चल के मैं आपको दिखाता हूं ये लोगो हमारा कैसा बना है, इस फोटो पर कैसा लग रहा है। ये जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा फोटो है, फोटो देखने देखिए हमारा ये फोटो है। अब इस पर ये देखिए ये वाला फोटो जो ये देख सकते हैं ये कितना मस्त लुक लग रहा है हमारे लोगों का। चल मैं आपको बता दूं इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो भाई यार बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आया हो तब पर भी लाइक करिएगा। और हाँ कोई क्वेश्चन हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।